समाजवादियों ने तय किया है कि 80 हटाओ हराओ, भाजपा को हटाओ, 80 हराओ। तुम्हें किसने बता दिया? कोई चैनल नाम तो बता दो जिसको बता दिया उन्होंने। अरे पूरी जिम्मेदारी भी तुमने सिविल नहीं देखा, उन्होंने भाषण दिया। वरुण गांधी हमेशा विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, उनके नीतियों का। कौन बार कर रहा है? बीजेपी हमेशा बात करती है समाजवादी पार्टी में, जब सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है और जो इनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं। अरे तुम अगर सूची बनाओगे पिछले 6 साल के, हम मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा ये सवाल पूछा हमसे। हमारे चेहरे देख लो, अगर कोई लग रहा हो उस तरह का तो बता दो, और उनके चेहरे देख लो आप, उनके काम करने का तरीका देख लो, उनकी भाषा देख लो, कौन लगता है बताओ। और सबसे ज्यादा इस तरह के व्यवहार करने वाला गुंडा या इस तरह का व्यवहार करने वाला कोई अगर उत्तर प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या यहाँ की बेटी को न्याय के लिए नहीं मुख्यमंत्री आवास में आग लगानी पड़ी? यहीं पर एक तहसील में बताओ आत्महत्या हुई कि उसने आत्महत्या, और कितना लूट रही है अधिकारी लोग, इसकी कोई कल्पना है आपको? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के लिए कहना, जो कहता है उसके बारे में पता करना। मैं तो 3 के बारे में जानता हूँ, टॉप के 3। तीनों के इलेक्शन कमीशन में जो अपना फॉर्म भरा था, आप पता करिए कि कितनी कितनी धाराएं थी उनके ऊपर, थी धाराएं कि नहीं थी। तो फिर तो ये जानबूझ करके आपके माध्यम से नहीं, आपके बड़े लोगों के माध्यम से प्रचार करा। बीजेपी अवैध रूप से जो धन अर्जित किया है उनके ऊपर बुलडोजर चला रही है, उनको मटियामेट कर रही है, बीजेपी का कहना है। नहीं, बीजेपी ये कह रही है, अगर ये कर रही है तो बीजेपी वाले भी समझ लें। सबसे ज्यादा इल्लीगल बिल्डिंग्स लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, वाराणसी, अगर किसी ने सबसे ज्यादा इल्लीगल बिल्डिंग बनाई है तो बीजेपी के लोगों ने बनाई है। और सबसे ज्यादा भू माफिया आज के समय पे कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके लोग हैं। आप जाकर के फैजाबाद, अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लो, बनारस का पता कर लो, और मैं समझता हूँ बाराबंकी में भी यही बात होगी। सबसे ज्यादा जमीन कब्जा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अखिलेश जी, कई मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि मोदी मैजिक